लखीमपुर हिंसा की आग अब भले ही शांत हो गई है, लेकिन मामला अब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। देखते देखते इस पूरी घटना को एक साल बीत चुका है और आज वही दिन है और वही तारीख है जिस दिन आज से ठीक एक साल पहले कईयों ने अपने बेटे, भाई और पति को खोया था। आज लखीमपुर खीरी में बीते साल 3 अक्टूबर को हुए दर्दनाक हादसे का एक साल पूरा होने पर देश भर में कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज उसी लखीमपुर खीरी हत्याकांड की बरसी है जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने लखीमपुर के अलावा फरुखाबाद, आजमगढ़, बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया है और आज भी जो कुर्सी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं उनको बर्खास्त करने की एक बार दोबारा आवाज जो है वो बुलंद की है। दरअसल लखीमपुर की घटना जो हुई थी उसमें किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी जिसमें से 4 किसान भी शामिल थे। किसानों के साथ ही बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा, श्याम सुंदर निषाद और हरि ओम मिश्रा की भीड़ ने जान ले ली थी। एक पत्रकार की भी इस पूरी घटना में मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें पीड़ित परिवार आज भी मदद की आस लगाए बैठा है। जिनको मिला है मदद उनके पास कुछ ऐसा हुआ है कि आज भी उनके हाथ खाली रह गए हैं और वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। दरअसल ठीक एक साल पहले अपने बेटे और घर के इकलौते कमाने वाले को खो चुके परिवार ने अपना दर्द बयां किया है। लखीमपुर हिंसा भले ही लोगों के दिलों और दिमाग से उतर चुकी हो, लेकिन ये परिवार आज भी उसका दर्द झेल रहा है। इस हिंसा में श्याम सुंदर को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, लेकिन उनका परिवार उस दिन से लेकर आज तक रोज तिल तिल कर मर रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से मिले मुआवजे के 45 लाख रुपए लेकर उनकी बहू चली गई जो कभी दोबारा वापस आई ही नहीं। उस परिवार को मदद तो मिली, लेकिन मदद के नाम पर उनके साथ क्या हुआ वो पूरी घटना उनके द्वारा खुद ही बयां की गई। लेकिन आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से, उसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि इस घटना के एक साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात भी की। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के कोंडियाला घाट गुरुद्वारे में बरसी को लेकर एक कार्यक्रम भी किया गया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत संयुक्त किसान मोर्चा की सभी मांगों का फिर से समर्थन करती है। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी SIT ने यह भी कहा कि यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश जो थी वो की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार जो है वो लगी। किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आशीष मिश्रा के पिता साहब और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज भी किसान और विपक्ष दोनों सड़कों पर आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त आज तक नहीं किया गया है। इस मांग को लेकर किसानों ने कुछ महीने पहले ही लखीमपुर खीरी में घंटे तक धरना भी दिया था। टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग किसान बीते साल अक्टूबर से ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें पुलिस ने इस पूरे मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में जमा की थी। पुलिस ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बताया था। आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में बीते साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच है, लखनऊ बेंच, उसमें आशीष को जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लगातार इस बात को कहते थे कि वारदात के दौरान उनका बेटा वहां पर मौजूद ही नहीं था और वो दंगल के आयोजन स्थल पर था। आशीष मिश्रा ने भी इस पूरी बात को कहा था कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर ही मौजूद था और उसने ही फायरिंग की थी। आपको बताना यह भी जरूरी होगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जोरदार तरीके से आंदोलन किया था और उसी दौरान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान लगभग एक साल तक बैठे रहे थे। किसानों के आंदोलन से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले सियासी नुकसान की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर में कृषि कानूनों को वापस ले लिया था और इस घटना के एक साल बाद टेनी के गाँव बनबीरपुर में होने वाले दंगल पर भी ब्रेक लगा दिया गया। इस दंगल के दिन ही लखीमपुर में ये पूरी घटना हुई थी। इस आयोजन ये जो है आयोजन था वो टेनी के पिता के जन्मदिन पर होता है।
लेकिन अब इस पर रोक लग चुकी है। एक परंपरा की तरह अजय मिश्रा का परिवार 45 साल से इस दंगल का आयोजन करता आ रहा है। पिछले कुछ साल से इसकी जिम्मेदारी उनका बेटा यानी आशीष मिश्रा खुद निभा रहा था। वो पिछले 163 दिनों से जेल में बंद है। लखीमपुर में भड़की हिंसा में 14 आरोपी बनाए गए हैं। जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी की अब तक 100 तारीखें पड़ चुकी हैं। अब इस पूरे मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है, जिसको लेकर सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन आज जो किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस पूरी घटना में, और बाकी जो लोग थे जिन्होंने अपनी जो है जान गंवाई थी इस पूरी घटना में, उन सबको लेकर आज प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद पर बनाए रखने से ये साफ जाहिर है कि अभी तक उन किसानों के साथ, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, जिनकी वजह से आज आप लोगों ने ये पूरा का पूरा जो साजिश के तौर पर लोगों को मारने की साजिश रची गई थी और ये दंगल कार्यक्रम के दौरान हुआ था, आज भी उन लोगों को न्याय पूरी तरह से नहीं मिला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और लखीमपुर खीरी कांड की आज बरसी पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।